कमी नहीं है आपकी भाई, बहुत है। दोस्तों आज मेरे साथ है रोमियो, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले एक गाना लाकर एक नया हुक स्टेप हम सभी को दिया था, और अब इस बार एक्टिंग करके जो आपने जलवा दिखाया है भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो कहानी आपको पर्सनली कितना अटैच करती है और क्या याद दिलाती है। आई थिंक सबके रिलेशनशिप में ना एक्सेस आते हैं, जब स्पेशली आपका एक नया रिलेशनशिप में तो सारे एक्सेस वापस आ जाते हैं। तो इज अ स्टोरी अबाउट दैट एंड ट्रस्ट इशूज़ है कपल्स में जो आजकल भी होते हैं बहुत ज़्यादा, आई थिंक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। बट इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे अपने पार्टनर को सिक्योर फील कराते हो। तो आई कुड रिलेट विद दैट बिकॉज लेट्स फेस इट, सब ये फेस करते ही अपनी लव स्टोरी में। तो आई थिंक उसकी वजह से इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले दिस कैरेक्टर, एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्वीट स्टोरी थी जो दिल को टच हो गई थी। लेकिन फैंस और ऑडियंस की तरफ मैं जब देखता हूँ, कमेंट सेक्शन देखता हूँ, तो ये कहा जाता है कि आप रोमियो धमाके के लिए भी जाने जाते हैं, कभी हुक स्टेप से धमाका देते, कुछ नई कहानी लेकर आते। मैं आपसे जानना चाहूँगा आप फैंस की फीलिंग्स को किस तरीके से मद्देनजर रखते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए भी कि अब ऑडियंस ऑलरेडी फितूर देख चुकी थी, ड्रामा देख चुकी थी, उसके बाद तू चांद उससे बड़ा ड्रामा देख चुकी थी। ऐसे लेट्स ब्रिंग समथिंग जो एकदम सिंपल हो, एवरी मैन कैन रिलेट, जहाँ पे गाड़ियाँ चेस नहीं हो रहा है बट एक लव स्टोरी है, गर्लफ्रेंड गुस्सा हो रही है, लड़का मना रहा है। तो आई थिंक इट्स ऑडियंस बहुत कनेक्ट करेगी, इसलिए मैंने बोला कि कुछ अलग करते हैं। भाई मैं आपसे एक चीज़ पर्सनली जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने एक वर्ड मेंशन किया दैट यू आर आर्टिस्ट, क्या लगता है एक नए यंगस्टर आर्टिस्ट जब सामने आते और उनको ऑडियंस इतना प्यार देते उनके गाने, क्योंकि देखिए अरिजीत सिंह विशाल तो है, उन्होंने नाम बनाया नो डाउट, बट एक एज अ यंग सिंगर जब आप सामने आते हैं तो कैसा लगता है आपको जब इतना प्यार आपको दर्शक देते हैं? आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड आई बिलीव दैट आई एम वेरी लकी कि फर्स्ट गाने से इतना प्यार दिया मेरे को ऑडियंस ने, एंड फर्स्ट गाने से ही इतना सब जगह सक्सेस एंड लव प्यार मिला ऑडियंस से। तो आई फील इट इज़ like it's my luck and it's just God has seen my hard work and my passion towards music. मैं आपसे कहीं ना कहीं एक मैंने कमेंट सेक्शन भी देखा था जहाँ पर मैं सुना कि कहीं ना कहीं ओला कैब ड्राइवर्स की भी आपने रेटिंग्स बढ़ा दी है इस वजह से कि आप लोग ट्राई करें, काश हमारे बगल में भी कोई एक खूबसूरत सी बंदी आकर बैठ जाए और हमारी भी लाइफ रोमियो की तरह निकल पड़े। ये ख्याल कहाँ से सबसे पहले शुरुआत? सी आई थिंक हर मैन, हर बीट अ गर्ल और अ गाय, हर ह्यूमन सोचता है कि आज मैं फ्लाइट में बैठूँ तो मेरे साइड में कोई खूबसूरत लड़की बैठे, लड़का बैठे, गर्ल्स भी सोचती, लड़के भी सोचते, लड़कियाँ भी सोचती हैं। तो आई थिंक वो थॉट था, एंड लाइक इमेजिन इफ यू फाउंड योर लाइफ पार्टनर, अगर ऐसे आप सबकी जिंदगी में पार्टनर होते हैं एंड यू मीट देम एज स्ट्रेंजर्स ओनली फर्स्ट, और लाइक हाउ ब्यूटीफुल इट वुड बी, इट स्टार्ट्स विद थोड़ा नोक जोक के, थोड़ा झगड़े चालू, दोस्ती हो, फिर प्यार में तब्दील हो। तो आई थिंक उस बात पे आइडिया आया कि कैब शेयर कर रहे हैं, दोनों काम पे जा रहे हैं, एंड दैट्स हाउ झगड़े में उनको प्यार हो जाता है। पोस्टर है, एक्साइटमेंट बढ़ी, टीजर एक्साइटमेंट बढ़ गई, उसके बाद जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो एक्साइटमेंट डबल तिबल हो गई। अब जब पूरा गाना आएगा तो किस तरीके का ऑडियंस ने अपनी दिल की धड़कन थाम के रखनी है, क्या बोल रहा है? आई थिंक ऑडियंस बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगी। आई थिंक वी आर जस्ट रेजिंग बार्स बाय फितूर, टू चांदे सीरीज एंड अब नाउ लेट मी लव सीरीज, एंड दिस टाइम यूजली वी हैव डन पार्ट वन एक हफ्ते में, पार्ट टू, दिस टाइम वी थॉट कि ऑडियंस को सताते नहीं है, एक ही बार सारे चारों गाने अपलोड करता हूँ, तो इट लुक्स लाइक अ म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म। तो आई एम श्योर ऑडियंस जब देखेगी उनको बहुत मजा आएगा। रोमी जी चली जाते थे अक्सर, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो मैं आपके लिखावट का काफ़ी पर्सनली दीवाना हूँ, तो इस बार अगर कुछ लिखा हो, कुछ लाइंस अगर याद हो, कुछ बोलना चाहिए। आई थिंक मेरा फेवरेट लाइन फ्रॉम द होल एल्बम लेट मी लव जो सॉन्ग है, बहुत सिंपल लाइन है कि हम होश भी अपना भूल गए, ईमान भी अपना भूल गए, दिल ही नहीं उस पल में जाने क्या क्या भूल गए, जो बात थी तुमसे कहने की वो बात ही भूल गए। जिस तरीके से आपने कहा बात ही भूल गए, और हम सब चाहते हैं कि हम एक्सेस को कभी ना भूले, अगर इस तरीके के गाने भाई अगर आप लाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी एक्स को, अपनी प्रेजेंट लव को, सबको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे भाई कुछ इसी तरीके से गाने लाते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन रोमियो, यू आर बैक विथ योर सॉन्ग। अब जल्दी हम लोग वेट करें गाने की रिलीजिंग डेट हमारे ऑडियंस से शेयर करें। 7th August ऑन माई यूट्यूब चैनल इट्स रोमियो, प्लीज डू वॉच इट, सब्सक्राइब एंड प्लीज कॉमेंट आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आई वुड लाइक टू नो ऑल ऑफ इट। जिस तरीके से इनका नाम है, पापा कहते हैं हमारा बेटा बड़ा नाम करेगा, बिल्कुल रोमियो की तरह ही काम करें। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू भाई। आई
थैंक यू।